हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज के फिर से एक नए वीडियो में। मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ गाइस, रियलमी के C15 डिवाइस के बारे में। इनके जिसके अपने टॉपिक होना लगा गाइस वो है लॉक स्क्रीन शॉर्टकट सेटिंग के बारे में अपन बात करेंगे गाइस। मैं आपको गाइस आज के वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन में जो है लॉक स्क्रीन किस प्रकार से दो किन चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। वही चीज़ गाइस मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँ कि आप अपने लॉक स्क्रीन में किस प्रकार से नई नई चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए गाइस। अपन चलते हैं फोन की सेटिंग में और बात करते हैं टॉपिक के बारे में गाइस, जो कि है लॉक स्क्रीन शॉर्टकट के बारे में। तो सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग को ऑन करना है डिवाइस की, एंड सेटिंग भी काफ़ी सारी प्रकार की होती है जो कि मेरी भी है आपकी भी होगी। अपन पढ़ते हैं गाइस, डिस्प्ले के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, फिर आपको यहाँ पे देखिए लॉक स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड गाइस यहाँ पे आपको देखिए लॉक स्क्रीन शॉर्टकट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए दो तीन ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि आप अपने लॉक स्क्रीन में शॉर्टकट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर गाइस गूगल असिस्टेंट, एंड गाइस सेकेंड नंबर पर है लॉक स्क्रीन मैगजीन। अगर आपको अगर यूज़ नहीं करना है अपने लॉक स्क्रीन में इन दोनों चीज़ों को, तो आपको यहाँ पे नॉन पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको यूज़ करना है गूगल असिस्टेंट अपने फ़ोन में लॉक स्क्रीन में शॉर्टकट तरीके से, आपको इस पर क्लिक करेंगे, या फिर अपने लॉक स्क्रीन मैगजीन को करना तो आप इस प्रकार से क्लिक कर लेंगे। मैगजीन क्या होता है गाइस, मैंने आपको बताया था लॉक स्क्रीन मैगजीन। इसके पहले मैंने अपने वीडियो डाल दिया है रियलमी के ग्लेंस फॉर रियलमी गाइस, अपने फ़ोन में जो है उसको लॉक स्क्रीन मैगजीन बोलते हैं। एंड गाइस गूगल असिस्टेंट तो आप जानते ही है, जिसमें बोला जाता है, जिसको एलेक्सा को बोलते हैं आई लव यू गाइस। इस प्रकार से आपको इसको ऑन करना है लॉक स्क्रीन शॉर्टकट में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय बाय।